वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण लोग भी यात्रा टालकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। हालांकि भंडारा जिले के पालक मंत्री अपनी सेना के साथ भंडारा जिले का लगातार दौरा कर रहे हैं। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने पालक मंत्री से अपील की है कि वे अपने जीवन और भंडारा के नागरिकों के जीवन को खतरे में ना डाले। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले की सीमा को बंद कर दिया गया है। साधारण नागरिकों को अति महत्वपूर्ण काम से भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं। लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से पालक मंत्री सुनील केदार जिले में 5 बार दौरा कर चुके हैं। दुग्ध पाउडर परियोजना शुरू करने के लिए पहले 2 दौरे दुग्ध विकास मंत्री के रूप में थे, जबकि 3 दौरे संरक्षण मंत्री के रूप में समीक्षा बैठकों के लिए थे। 24 अप्रैल की तालुका निहाय समीक्षा बैठकों के दौरे ने एक चुनाव अभियान यात्रा का रूप ले लिया था, जिसने जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों और आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया था। पालक मंत्री के रूप में प्रशासनिक यात्राओं के विरोध का कोई कारण नहीं है। हालांकि अगर ये दौरे राजनीतिक होते तो यह चिंता का विषय है। अगर पालक मंत्री, जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, इन सभी नियमों को तोड़ रहे हैं तो हम क्या करें? ऐसा सवाल आम जनता की ओर से उठाया जा रहा है। पालक मंत्री के दौरे के दौरान होने वाली कार्यकर्ताओं की भीड़, सभी नियमों की अवहेलना, इस पर सोशल मीडिया पर प्रसार माध्यमों में भी काज टिप्पणी की गई है। 25 अप्रैल तक ग्रीन जोन में रहे भंडारा जिले में भी दुर्भाग्य से एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसका संबंध भी नागपुर से है, ऐसा कहा जा रहा है। महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों से संवाद साधने के लिए कई माध्यम उपलब्ध है, इसलिए पालक मंत्री को बार बार नागपुर से आना और जाना नहीं चाहिए। या तो भंडारा में ही रहे या जिला गाड़ी नागपुर से संचालित होनी चाहिए, लेकिन आम जनता के स्वास्थ्य को खतरे में ना डाले, ऐसा आवाहन विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने किया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.